गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल एगलेस वनीला मफिन्स। वनीला मफिन्स बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर, 1 कप मैंने लिया है बटर मिल्क। ये एगलेस बना रहे हैं तो हम बटर मिल्क डालेंगे यानी छाछ, ये हम एग की जगह यूज कर रहे हैं। 1 कप मैंने शुगर लिया है, पाउडर शुगर हो तो पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस लिया है मैंने, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे हम इसमें। और 2 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून लिया मैंने बेकिंग पाउडर, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, मैंने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लिया है। आपके पास जो भी ऑयल हो आप यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मफिन पेपर है, मफिन पेपर इजीली मिल जाता है, मैंने मफिन ट्रे में रख लिया है। इसे बैटर तैयार करेंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे और हम इसे माइक्रोवेव में हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। और मेजरिंग कप का इस्तेमाल करिएगा, विदाउट मेजरिंग कप के मत मेजर मत करिएगा, अदरवाइज आपका परफेक्ट मफिन नहीं बनेगा। तो मेजरिंग कप से ही यूज करिएगा। 2 कप मैदा, 1 कप बटर मिल्क, 1 कप शुगर, 1 कप ऑयल और 2 टीस्पून ईच हम लेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मफिन्स का बैटर। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मफिन अपनी। मफिन में सबसे पहले हम अपना ड्राई इंग्रेडिएंट में अपने गीले वाले इंग्रेडिएंट सारे डाल देते हैं। ये मैंने इसमें बटर मिल्क डाल लिया है अपना। अब हम इसमें अपना ऑयल डाल देते हैं। हमने बटर मिल्क डाल लिया है, ऑयल डाल लिया है, इसको हल्का सा से मिक्स करते हैं। फिर हम हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर को, बिल्कुल एक स्मूथ इसका पेस्ट तैयार करेंगे हम। अपने बैटर में वनीला एसेंस डाल देते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, बस ये इनफ है काफी। बैटर की कंसिस्टेंसी भी थिक है। इसमें मैंने वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल दिया है और इसके साथ साथ अब हमने शुगर भी डाल देंगे 1 कप। अब हम इसको फिर से ब्लेंड कर देते हैं, ऐसे ही 5-6 मिनट तक हम इसे ब्लेंड करेंगे तब तक ये शुगर अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए, सिल्की टेक्सचर ना हो जाए। देख रहे हैं हमारा कितना स्मूथ सिल्की बैटर रेडी हो गया। कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, थिकनेस कंसिस्टेंसी की इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपनी वनीला मफिन बनाते हैं। ये हम बैटर को बिल्कुल केयरफुली आराम से धीरे धीरे, हम सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे यानी 2 टेबलस्पून से ज्यादा डालेंगे नहीं, क्योंकि ये फूलेंगी, बड़ी होंगी साइज में, तो 2 टेबलस्पून इनफ है। मैंने 1 डाल दिया है, 1 और डाल दिया है बस। वैसे हम सारे फिल कर लेते हैं मफिन के मोल्ड। ये हमने डाल दिया, अब हम इसे माइक्रोवेव में रखते हैं। अपने माइक्रोवेव में रख दिया, अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको रख देते हैं हम 3 मिनट के लिए फिलहाल। ये देखिए मेरे मफिन कैसे फूल रही है। ये देखिए मैंने माइक्रोवेव से निकाल लिए, हमारी मफिन अभी बहुत गर्म हो रही है। इसको बहुत केयरफुली निकालिएगा, ठंडा करिएगा, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे हम। मफिन बन गई है माइक्रोवेव में, हाई पावर में 3 मिनट रखना है। ये टूथपिक डाल के चेक कर रहे हैं, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, यानी हमारी मफिन अच्छे से कुक हो गई है। तो चलिए ऐसे हम सारी बना लेते हैं, फिर हम प्लेटिंग करेंगे। ये हमने प्लेटिंग कर ली है अपनी है वनीला मफिन की, और कितनी बढ़िया बनी है हमारी एगलेस वनीला मफिन। आप भी ट्राई करिएगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।